त्रिपुरा भैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियों की पूजन विधि। भैरव ने कहा, इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली त्रिपुरा देवी की पूजा आदि का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। देवी का यथाविधि ओम हुई आगक्ष देवी इस मंत्र से आवाहन करके ओम हुईं हुईं इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रेखा करके ओम हुईं क्लेनिदी भम नमः इस मंत्र से उन्हें प्रणाम करें तथा उनकी शक्तियों के साथ महाप्रेतासन पर विराजमान रहने वाली देवी त्रिपुरा भैरवी का पूजन करें। एम हीं त्रिपुराय नमः इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करें। देवी के पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व आदि मुखों को भी नमस्कार करें। ओम हुई पाशाय नमः क्री अंकुशाय नमः ऐं कापालाय नमः इत्यादि मंत्रों से उनके पाश अंकुश कपाल आदि आयुधों को नमस्कार करें। त्रिपुरा भैरवी देवी की पूजा में 8 भैरव तथा उनके साथ मार्तिकाओं की भी पूजा करनी चाहिए। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव, ये 8 भैरव हैं। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमरी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, चामुंडा तथा अपराजिता, दुर्गा, ये 8 मातृकाएं हैं। पूजक को चाहिए कि वो ओम काम रूपाय अति सांगाय भैरवाय नमो ब्राह्मणाय इस मंत्र से पूर्व दिशा में कामरूप असितांग भैरव और देवी ब्राह्मणी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। उसके बाद ओम स्कंदाय नमः रुरु भैरवाय नमः माहेश्वराय नमः मंत्रों द्वारा दक्षिण दिशा में स्कंद देव रुरु भैरव और देवी माहेश्वरी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम चंडाय नमः कौमार्य नमः इन मंत्रों से पश्चिम दिशा में चंड भैरव तथा देवी कौमारी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात ओम उल्काय नमः ओम क्रोधाय नमः ओम वैष्णवाय नमः इन मंत्रों से उत्तर दिशा में उल्का देवी क्रोध भैरवी और देवी वैष्णवी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम अघोराय नमः ओम उन्मत्त भैरवाय नमः ओम वाराहाय नमः इन मंत्रों से अग्निकोण में अघोर देवी उन्मत्त भैरव और देवी वाराही का आवाहन पूर्वक पूजन करें। तदनंतर ओम साराय कपालिने भैरवाय नमः ओम महेंद्रय नमः इन मंत्रों द्वारा नेत्रत्य कोण में समस्त संसार के सारभूत स्वरूप कापालि भैरव और देवी महेंद्री का आह्वान पूर्वक पूजन करें। उसके बाद साधक को ओम जालंधराय नमः ओम भीषणाय भैरवाय नमः ओम चामुंडाय नमः इन मंत्रों से वायु कोण में जालंधर भीषण भैरव और देवी चामुंडा का आह्वान पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदनंतर ओम वटुकाय नमः ओम संहराय नमः ओम चंडिकाय नमः इन मंत्रों से ईशान कोण में बटुक देव संहार भैरव और देवी चंडिका का आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद साधक को रति देवी प्रीति देवी कामदेव और उनके पंचवाड़ों की पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार सदैव ध्यान पूजा जप तथा होम करने से देवी सिद्ध हो जाती है। नित्य क्लिन्ना त्रिपुरा भैरवी और ज्वालामुखी नामक देवियां समस्त व्याधियों की विनाशिका हैं। अब मैं ज्वालामुखी देवी की पूजन का क्रम कहूंगा। पद्म के मध्य देवी ज्वालामुखी की पूजा करनी चाहिए तथा पद्म के वाह्य दलों में क्रमशः नित्या अरुणा मदनातुरा महामोहा प्रकृति महेंद्राणी कलनाकर्षिणी भारती ब्राह्मणी माहेशी कौमारी वैष्णवी वाराही महेंद्री चामुंडा अपराजिता विजया अजिता मोहिनी त्वरिता स्तंभिनी त्रिभिणी तथा देवी कालिका की पूजा करनी चाहिए।
देवी ज्वालामुखी की यथा विधि पूजा करने से विष आदि दोष दूर हो जाते हैं। भैरव ने पुनः कहा, चूड़ामणि यंत्र के द्वारा प्रश्नकर्ता को शुभ एवं अशुभ समय का परिज्ञान हो जाता है। वायु जय निरूपण। भैरव ने कहा, हे देवी, अब मैं जय पराजय तथा विदेश यात्रा के शुभाशुभ मुहूर्त का संकेत देने वाले वायु जय नामक विधा का वर्णन करूंगा। वायु, अग्नि, जल और इंद्र को मांगलिक चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। प्रायः प्राणी के शरीर में वायु अधिकतर वाम और दक्षिण भाग की नाड़ियों से प्रवाहित होता है। अग्नि शरीर में ऊर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी। महेंद्र तत्व शरीर के मध्य भाग में स्थित रहता है, किंतु शुक्ल पक्ष में वो वाम भाग तथा कृष्ण पक्ष में दक्षिण भाग की नाड़ियों से होकर शरीर में प्रवाहित होता है। प्रत्येक पक्ष का प्रारंभिक 3-3 दिन इसका उदयकाल होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तिथि तक तो वायु नासिका के वाम छिद्र से होकर प्रवाहमान रहता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर तृतीया तिथि पर्यंत जो वायु नासिका के दक्षिण छिद्र से होकर प्रवाहमान रहता है वो उदय काल का वायु माना जाता है। यदि इस नियम के अनुसार वायु का प्रवाह होता है तो अच्छा होता है, किंतु विपरीत होने पर पतन होता है। यदि प्राणी के शरीर में वायु सूर्य मार्ग में उदित होकर चंद्र मार्ग में अस्त हो तो गुणों की वृद्धि होती है, इसके विपरीत होने पर शरीर में विघ्न होता है। हे वारानने, दिन और रात में 16 संक्रांतियां मानी गई है। आधे आधे प्रहर के बाद एक एक संक्रांति का परिमाण है। इसी गति से शरीर में प्रवहमान वायु का संक्रमण काल आता है। जब वायु शरीर के अंतर्गत आधे प्रहर के बाद संक्रांत होने लगता है, अर्थात आधे आधे प्रहर में वायु का भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्य की हानि अवश्यंभावी है। भोजन और मैथुन काल में दाहिने नासापुट से वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थिति में हाथ में तलवार लेकर योद्धा युद्ध में यथेष्ट शत्रुओं पर जीत सकता है। समस्त कार्यों में यदि वाम नासापुट से वायु का भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न शुभकर तथा श्रेष्ठ माना गया है। वायु के महेंद्र तथा वरुण जल तत्व में प्रवाहित होने पर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रवाहित होने पर अनावृष्टि का योग तथा बाएं से प्रवाहित होने पर वृष्टि का योग होता है। उत्तम तथा अधम अश्वों के लक्षण। अश्वों के आगंतुज और त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा तथा अश्व शांति, गजायुर्वेद, गज चिकित्सा और गज शांति। धन्वंतरी ने कहा, अब मैं अश्वायुर्वेद और अश्वों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जो अश्व कौवे के समान नुकीले मुंह वाला, काली जीभ वाला, वृक्ष के समान फैले मुंह वाला, गरम तालु प्रदेश वाला, 2 से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त दांत रहित सींग वाला, दांतों के मध्य रिक्त स्थान वाला, 1 अंडकोश से युक्त अंडकोश से रहित कंचुकी, वक्ष स्थल पर कंचुक के लक्षण से समन्वित, 2 खुरों से संपन्न स्तन युक्त, बिलौटे के समान पैरों वाला, व्याघ्र के सदृश रूप एवं वर्ण से समन्वित, कुष्ठ तथा विद्रधि रोग के रोगी पुरुष के समान जुड़वा उत्पन्न होने वाला, बौना, बिलौटे तथा बंदर सदृश नेत्रों वाला हो, वो दोषयुक्त होने पर त्याज्य है। उत्तम जाति का घोड़ा तो वो होता है जो तुरुष्क प्रदेश, तुर्किस्तान, सिंधु या अरब देश में जन्म लेता है। इसकी ऊंचाई 7 हाथ होती है। मध्यम कोटि का घोड़ा 5 हाथ और तृतीय कोटि का घोड़ा 3 हाथ ऊंचा माना गया है। स्वस्थ घोड़े छोटे छोटे कान वाले, चितकबरे, प्रभावशाली, उत्साह संपन्न और दीर्घजीवी होते हैं। रेवंत सूर्य देव के पुत्र हैं। इनकी पूजा, होम तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा अश्वों की रक्षा करनी चाहिए। चीड़ वृक्ष का काष्ठ, नीम की पत्ती, गुग्गुल, सरसों, घृत, तिल, वचा, वच और हींग को पोटली आदि में रखकर
घोड़े के गले में बांधने से घोड़े का सदैव कल्याण होता है। घोड़े के शरीर में उत्पन्न होने वाला मुख्य दोष व्रण घाव होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक है आगंतुज व्रण दोष और दूसरा है वात पित्त आदि त्रिदोषों से उत्पन्न व्रण दोष। वात विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष चिरपाक देर से पकने वाला होता है और श्लेष्म विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष क्षिप्रपाक शीघ्र पकने वाला होता है। पितज दोष के कारण उत्पन्न व्रण दोष घोड़े के कंठ भाग में दाह और रक्त विकार के कारण उत्पन्न व्रण में मंद मंद वेदना होती है। आगंतुज अर्थात बाहर से चोट गिरने या आघात आदि से उत्पन्न व्रण दोष का शोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए। व्रण की ये चिकित्सा करके उसमें एरंड मूल हल्दी दारू हल्दी चित्रक सौंठ और लहसुन मट्ठे अथवा कांजी में पीसकर भर देना चाहिए। तिल सत्तू दही सेंधा नमक और नीम की पत्ती एक साथ पीसकर उस व्रण पर रखने से भी घोड़े को लाभ होता है। परवल नीम की पत्ती वचा वच चित्रक पिपली और अदरक का चूर्ण बनाकर घोड़े को पिलाना चाहिए। इसके सेवन से घोड़े का कृमि दोष श्लेष्म विकार तथा वायु प्रकोप नष्ट हो जाता है। नीम की पत्ती परवल त्रिफला और खैर का काढ़ा बनाकर यदि घोड़े को पिलाया जाए तो उसका रक्त स्राव बंद हो जाता है। घोड़े में कुष्ठ विकार होने पर तो उसके उपशमन के लिए इसी काढ़े को 3 दिन देना चाहिए। व्रण युक्त कुष्ठ रोग होने पर सरसों का तेल बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन आदि का काढ़ा देने से उसके खाने पीने के दोष दूर हो जाते हैं। बिजौरा नींबू का रस जटामांसी के रस में मिलाकर नस्य देने से तत्काल घोड़े के वातजनित दोषों का विनाश होता है। घोड़े को प्रथम दिन एक पल औषधीय नस्य देना चाहिए। इसके बाद एक एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए 18 दिन तक इसका उपयोग करना चाहिए। यह मात्रा उत्तम प्रकार के घोड़े की है। मध्यम प्रकार के घोड़े की औषधि की मात्रा 14 पल तथा अधम जाति के घोड़े की मात्रा 8 पल होती है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़ों को ऐसे विकारों से मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का नस्य प्रयोग करना उचित नहीं है। घोड़े के वातजन्य रोग में शर्करा घृत तथा दुग्ध से युक्त तैल, श्लेष्मिक रोग में त्रिकट से युक्त कड़वा तेल और पित्त विकार में त्रिफला चूर्ण समन्वित जल से नस्य देना चाहिए। साठी चावल और दुग्ध खाने पीने वाला घोड़ा अत्यंत बलशाली होता है। पके हुए जामुन के समान तथा सोने के सदृश चमकते हुए वर्ण वाला अश्व श्रेष्ठ होता है। भारवाही घोड़े को आधे आधे प्रहर पर गुग्गुल का सेवन कराना चाहिए। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जाने के कारण रुक जाता हो उसको खीर या दूध पिलाना चाहिए। वात जनित विकार होने पर घोड़े को भोजन में साठी चावल का भात और दूध देना चाहिए। पित्त विकार होने पर उसको एक कर्ष अथवा 2 तोला जटामांसी का रस मधु मूंग का रस और घृत का मिश्रण देने से लाभ होता है। कफ विकार होने पर मूंग और कुल्थी या कड़वा तथा तिक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। बघिरता या ग्रासजन्य रोग से ग्रस्त होने पर अथवा त्रिदोषजन्य विकारों से उत्पन्न हो जाने से दुखित घोड़े को गुग्गुल की औषधि देनी चाहिए। सभी प्रकार के रोगों में घोड़े को पहले दिन अन्य प्रकार की घासों के साथ एक पल दूरवा घास देना भी अपेक्षित है। उसके बाद इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक दिन में एक कर्ष अर्थात 2 तोला और अधिकतम 5 पल दिया जाना चाहिए। सामान्य स्थिति में घोड़े के लिए खाने पीने के निमित्त 80 पल दूरवा की मात्रा श्रेष्ठतम मानी गई है। उसकी मध्यम मात्रा 60 पल और अधम 40 पल है। घोड़े को वर्ण कुष्ठ और खंज विकार लंगड़ाने का विकार होने पर त्रिफला के क्लाथ में भोजन मिलाकर देना चाहिए। मंदाग्नि और शोथ होने पर उसको गोमूत्र के साथ भोजन देना चाहिए। वात पित्त जन्य वर्ण विकार अथवा अन्न व्याधि होने पर गोदुग्ध और घृत मिलाकर
घोड़े को भोजन देना लाभकारी है। दुर्बल घोड़े को मासी नामक औषधि के साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़े को 5 पल गुड़ुची का रस घी में पिलाने अथवा दूध में मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिए। ये घोड़े के रोगों का विनाश करने वाली, उसको शक्ति संपन्न बनाने वाली और उनके तेज को बढ़ाने वाली है। गुड़ुची कल्प के साथ शतावरी और अश्वगंधा नामक औषधियों के रस की मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम रूप में 4 पल, 3 पल तथा 1 पल निश्चित की गई है। यदि घोड़े में अकस्मात एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए और उपचार होने पर भी घोड़े की मृत्यु हो जाए तो उसे उपसर्ग, कोई दैवी प्रकोप या महामारी समझना चाहिए। उसकी शांति के लिए हवन, पूजन, ब्राह्मण भोज आदि कराना चाहिए। हरितकी कल्प के सेवन से भी उपसर्ग की शांति होती है। गोमूत्र, सरसों के तेल और सेंधा नमक से युक्त हरितकी की मात्रा प्रारंभ में 5 मानी गई है। तत्पश्चात प्रतिदिन उसकी 5-5 मात्रा बढ़ाते हुए 100 तक की जा सकती है। घोड़े के लिए 100 हरितकी की मात्रा उत्तम है। 80 तथा 60 मात्राओं का भी परिमाण है, जो मध्यम तथा अधम मात्राएं मानी गई हैं। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अश्वायुर्वेद की भांति गजायुर्वेद का वर्णन करने जा रहा हूं, आप उसे सुने। अश्व चिकित्सा में बताए गए औषधिक कल्प हाथियों के लिए भी हितकारी है। हाथी के निमित्त उक्त मात्रा 4 गुनी होती है। पूर्व वर्णित औषधियों के द्वारा भी हाथियों में पाए जाने वाले रोगों को दूर किया जा सकता है। हाथियों की उपसर्ग जनित व्याधियों, दैवी प्रकोप या महामारी आदि के उपशमन के लिए गज शांति कर्म करना चाहिए। देवताओं और ब्राह्मणों की रत्न आदि के द्वारा पूजा करके उन्हें कपिला गौ का दान दें। रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित वचा, वच और सरसों को माला में पिरोकर हाथी के दोनों दांतों में बांधना चाहिए। सूर्य अथवा 9 ग्रहों के साथ शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णु के पूजन आदि से हाथी की रक्षा होती है। देवादि की पूजा करने के पश्चात प्राणियों के लिए अन्नादि की बलि देकर हाथी को 4 घड़ों के जल से स्नान कराना चाहिए। तदनंतर मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित भोजन हाथी को दे देना चाहिए। हाथी के पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहिए। त्रिफला, पंचकोल, पीपर, पीपरा मूल, चव्य, चित्रक मूल, सोंठ, दशमूल, विडंग, शतावरी, गुड़ुची, नीम, अणूसा और पलाश के चूर्ण अथवा क्लाथ हाथी के रोगों को विनष्ट करने में समर्थ है।